केवल का नियम या यमुना तृतीय नियम है, मेंडल का तृतीय नियम है। मेंडल के तृतीय नियम को हम दो संकर संकर कहते हैं, पहला नियम और दूसरा नियम वह एक संकर संकर था। क्यों? क्योंकि उसमें एक एक गुणों को एक एक लक्षणों को लेकर संकर कराया गया था। अब यहाँ किसमें कराएंगे? दो दो लक्षणों को लेकर जब संकर कराया जाता है तो उसे दो संकर संकर या दो गुण संकर कहते हैं। जैसे मेंडल यमुना गोल पीला एक मटर ऐसा लिया जिसके बीजों का आकार गोल था और बीजों का रंग पीला, और दूसरा उन्होंने लिया जिसके बीजों का आकार कैसा था? झुर्री और रंग कैसा था? बाबू। अब यहाँ पर हम जीन ले आएंगे। गोल मीन्स होता है राउंड, राउंड के लिए हम क्या लाए? आर। और पीला कलर की क्या होती है? येलो। पीला के लिए क्या लाए? वाइट। अब इसी का इस्तेमाल लिखते हैं हम, इस्माल वाइट। अब दोनों का हम बन गई कौन? पीढ़ी। कहा बन गई? पीढ़ी। शुद्ध जन की या पीढ़ी? शुद्ध जन की पीढ़ी क्यों है? अगर इनको हम केवल इन्हीं के साथ बोए तो इस खेत में केवल झुर्रीदार हरा बीज वाला ही मटर पैदा होगा और इसमें गोल और पीला बीज वाला पैदा होगा। लेकिन जब यहाँ पर हमने संकरण कराया तो क्या है? परागण कराया। तो मेंडल की प्रभाविता का नियम क्या कहता है? जो लक्षण प्रकट पहले पीढ़ी में प्रकट होगा वही क्या होगा? प्रभावी लक्षण। और जो नहीं प्रकट होगा क्या होगा? अप्रभावी लक्षण। तो यहाँ पर गोल और पीला कौन है? प्रभावी है। किसके ऊपर? जुड़ेदार हरे के ऊपर। मुन्ना गोल का हमने क्या बताया है? इसका अप्रभावी क्या बताया है? यहाँ कौन हो गया? यह भवन का है। यह संकर गोल पीला बेटा। यहाँ पर झुर्रीदार और हरा रंग क्या हो गया? इसके कारण छिपा है, प्रभाविता के कारण। प्रभाविता के कारण छिप गया है। यहाँ पर केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट हुआ, अर्थात गोल पीला लक्षण झुर्रीदार हरे लक्षण के ऊपर प्रभावी है। इसके जीन के लक्षणों को प्रकट नहीं होने दे रहा है, लेकिन इसका जीन यहाँ विद्यमान है। और अब इसे हम यभवन पीढ़ी के प्राप्त संतत को यभटु पीढ़ी में ले जाते हैं तो चार तरह के युग्मक या चार तरह के बीज प्राप्त होते हैं, पौधे प्राप्त होते हैं। यभटु पीढ़ी में बात आता है नौ संबंधित तीन संबंधित तीन संबंधित एक। नौ क्या है? नौ यह है, नौ क्या है? गोल और पीला। और ये कहा है गोल के साथ कौन आ गया? पीला के गोल के साथ क्या आ गया था? आ गया कौन? हरा। और यहाँ तीन कौन है? झुर्रीदार के साथ आ गया था हरा, पीला के का पीला। और ये कौन है? झुर्रीदार हरा। इससे निष्कर्ष निकलता है कि दो संकर संकरण में कोई भी लक्षण किसी के साथ जाने के लिए स्वतंत्र है। कि कोई भी लक्षण किसी के साथ जाने के लिए स्वतंत्र है। गोल पीला के साथ गोल हरा आ गया, यमुना गोल है रंग पीला है, यहाँ गोल है रंग हरा हो गया, या झुर्रीदार है रंग कैसा हो गया? या झुर्रीदार है हरा। यदि हम इसका पुनेट के चारखाने विधि द्वारा सत्यापन करते हैं तो पुनेट के चारखाने विधि द्वारा सत्यापन से हमें 9-3-3-1 के अनुपात में रेशियो आना चाहिए। इसके लिए हम एक पुनेट का चारखाना बनाते हैं। इस पुनेट के चारखाने को चार वर्गों में खड़े तिरछे बांटते हैं। अब चार चौके 16 वर्ग बनाए। कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल
कौन है इसी तरह यहाँ भी आइए कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल अब संकलन करा देखिए बोला कैपिटल आर किसी कैपिटल आर होगा कैपिटल वाई होगा क्या होगा गोल बोलिए कैपिटल आर बोलिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई कौन होगा गोल पीला क्यों पीला होगा यहाँ अपना वाई कैपिटल है कैपिटल वाई वाई के ऊपर प्रभावी है इसलिए अभी का गोल यहाँ बना हुआ कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आई बोलिए बोलिए गोल पीला यहाँ बोलिए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई बोलिए गोल पीला क्यों गोल पीला हो रहा है यहाँ कैपिटल है इसलिए इसको छिपा दे रहे हैं जहाँ दोनों साथ होंगे वहीं से प्रकट होगा यहाँ बोलिए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कौन है यहाँ गोल पीला काहे हुआ है यहाँ तो वाइट है कैपिटल तो अपना रंग दिखाएगा बोलिए कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल अब बेटा गड़बड़ हो गया यहाँ पर कौन हो गया गोल मिला थोड़ा ना मिलना चाहिए वो कितना तीन कितना मिलना चाहिए एक मिला यहाँ ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्या है गोल पीला कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई बोला गोल हरा कैट हो गए दो हो गए गोल हरा हो गए एक और मिलना चाहिए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई बोला गोल पीला यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई गोल पीला यहाँ कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई बोलिए झूलेदार पीला झूलेदार पीला यहाँ ये स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई झूलेदार पीला तो ये भी मिल गया यहाँ ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कौन है यहाँ गोल पीला बोलिए कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई बोलिए गोल हरा तीनों हो गए गोल हरा तीनों हो गए अब कौन है स्मॉल आर कैपिटल वाई कौन है झूलेदार पीला तो यहाँ सब स्मॉल हो जाएगा कौन है झूलेदार हरा इस तरह से कितना कितना विकल्प मिला चार अर्थात गोल के साथ कौन आ गया और झूलेदार के साथ कौन आ गया मेंडल के तीसरे नियम के अनुसार कोई द्विसंकर संकरण में कोई भी लक्षण किसी के साथ जाने के लिए ऐसे स्वतंत्र अभिभवन का दूसरे नियम का अनुपात कितना हुआ बाबू नौ तीन 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 एफ टू पीढ़ी में कैसा रहा F1 पीढ़ी में कैसा रहा सभी लोग रहे गोल संकर गोल पीला ना इस तरह से मंडल के तीनों नियमों में आपको पढ़ करके याद कर लेना है।